गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 11th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन, जो कि आपकी यूनिट 5th के अंतर्गत दिया गया है। इसमें हम मेनली समझेंगे मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र और उसमें मूत्र निर्माण की क्रिया विधि किस प्रकार होती है। बच्चों, आप सब उत्सर्जन तंत्र के बारे में कक्षा 10वीं में बहुत अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि मनुष्य में कशेरुक दंड के दोनों ओर उदर गुहा में एक जोड़ी वृक्क या किडनी पाई जाती है, जो कि इसकी आकृति की होती है, सेम के बीज की आकृति की दिखाई देती है, और इसकी अवतल गहरी धसी हुई सतह पर हाइलम से निकलती है रीनल आर्टरी, रीनल वेन और मूत्रवाहिनी। ये मूत्रवाहिनी जाकर के एक सैक में खुलती है, जिसे कहते हैं मूत्राशय या यूरिनरी ब्लेडर, और वहां से यूरेथ्रा के माध्यम से जो मनुष्य में मूत्र निष्कासन की क्रिया होती है। तो ये है बच्चों मनुष्यों में उत्सर्जन तंत्र। अब हम देखेंगे वृक्क की संरचना। वृक्क की अगर हम बाह्य संरचना की बात करें तो मनुष्यों में एक जोड़ा वृक्क उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थिर रहते हैं। बायां वृक्क दाएं की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क सेम के बीच के आकार का लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। प्रत्येक वृक्क की अवतल सतह पर एक खांच या दरार होती है, जो हाइलम कहलाती है। इस प्रकार से ये हाइलम बताया हमने। इसी स्थान से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा एवं मूत्रवाहिनी वृक्क से निकलती है। प्रत्येक वृक्क एक संपुट से ढका रहता है। इस पर वसा का भी अतिरिक्त जमाव पाया जाता है। अंतःस्रावी एड्रिनल ग्रंथि प्रत्येक वृक्क के ऊपर स्थित होती है। अब हम देखेंगे वृक्क की आंतरिक संरचना। वृक्क की आंतरिक संरचना का अध्ययन इसकी लंबवत काट से किया जाता है, अर्थात लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। प्रत्येक वृक्क के अंदर दो भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला भाग है बाहरी कार्टेक्स और दूसरा है भीतरी मेड्यूला। मेड्यूला से घिरा जो विस्तृत भाग पेल्विस कहलाता है। यह मेड्यूला 8 से 18 शंकु के आकार की पालियों या पिरामिड में बटा होता है। पिरामिड का चौड़ा भाग कार्टेक्स की ओर तथा नुकीला भाग रीनल पैपिला कहलाता है। वृक्क की रचना अनगिनत कुंडलित वृक्क नलिकाओं अर्थात नेफ्रॉन से होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन के सिरे पर एक कप जैसी रचना वोमन संपुट होती है, जिसमें रक्त केशिकाओं के गुच्छे के रूप में ग्लोमेरुलस स्थिर होता है। ग्लोमेरुलस का निर्माण अभिवाही धमनिका के संपुट में प्रवेश तथा अपवाही एफरेंट आर्टियोल्स के रूप में कोशिका आपस में मिलकर सूक्ष्म शिराएं बनाती हैं, जो अंत में वृक्क शिरा के रूप में बाहर निकलती हैं। कई वृक्क नलिकाएं एक साथ संग्रह नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक वृक्क के रीनल पेल्विस भाग से एक पेशीय नलिका यूरेटर निकलती है। अब हम वृक्क की आंतरिक संरचना को पहले समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पर किडनी का एलएस यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शो किया है। इसका बाहरी भाग कहला जाएगा कॉर्टेक्स और अंदर का इतना पूरा हिस्सा, इसको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बना रही हूँ चित्र, आप ध्यान से देखिए। पहले ये मैंने एक वृक्क का चित्र बनाया। यहाँ पर बच्चों जो इतना ऊपरी जो भाग है ये कहलाता है, दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स। और अब ये जो बीच का जो पोर्शन है, ये पूरा होल पोर्शन, ये कहलाएगा मेडुला। कॉर्टेक्स मेडुला दो मेजर पार्ट में ये डिवाइड हो गई। अब अगेन ये जो मेडुला पोर्शन है, इसको हम समझें, यहाँ देखें, ये हो गया किडनी का, और ये जो मेडुला पोर्शन है इसमें बताया है, इसमें 8 से लेकर ऐसे 18 पिरामिड जैसे शेप पाए जाते हैं, जो कि पिरामिड या शंकु के रूप में माने जाते हैं। इन्हीं पिरामिड या शंकु के अंदर नेफ्रॉन जैसी यूनिट संरचना, जो कि क्या करती है, डायलिसिस या फिल्ट्रेशन के लिए बनाई गई है। ये बहुत सारे असंख्य कुंडलित नलिकाओं के रूप में इस पिरामिड के शंकु के अंदर व्यवस्थित रहती हैं। बाद में ये सारी नेफ्रॉन से जो निकलने वाली वाहिकाएं हैं, छोटी छोटी ट्यूबुल से इकट्ठे होकर के कलेक्टिंग ट्यूबुल में बदलती हैं, जो बाद में जाकर के यूरेटर
अर्थात मूत्र वाहिनी में खुल जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एलएस ऑफ किडनी, इसमें ऊपरी पोर्शन आ गया आपका कॉर्टेक्स, बीच का पिरामिड शेप वाला जो शंक्वाकार संरचना है ये हो गई आपकी मेडुला। यहाँ पर रीनल आर्टरी है जो ब्लड को कहाँ ले जाती है, वृक्क के अंदर ले जाती है छानने की क्रिया करने हेतु। उसी के बाद रीनल वेन जो कि वृक्क से निकलने वाले रुधिर को इकट्ठा करके बाहर लेके आती है। और ये यूरेटर या मूत्र वाहिनी जो कि मूत्र को कहाँ ले जाती है, मूत्राशय में धीरे धीरे इकट्ठा करती है। इस प्रकार से हम एलएस किडनी को समझ लिए। अब बच्चों हम इसके आगे समझेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, कि नेफ्रॉन क्या स्ट्रक्चर है। तो जो हमने एक किडनी में देखा इस प्रकार से ऐसे शंकु टाइप, ऐसे शंकुनुमा संरचनाएं हमने देखी किडनी के अंदर। इन्हीं शंक्वाकार संरचनाओं के अंदर कौन स्थित है, नेफ्रॉन की असंख्य असंख्यों ट्यूब्यूल्स इस प्रकार से स्थित रहती हैं। अब अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो समझेंगे कि मेन यहाँ पर आता है वोमेन कैप्सूल। वोमेन कैप्सूल किससे मिलके बनता है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्योंकि पूछा जाता है हमेशा। तो ये वोमेन कैप्सूल एक प्रकार का क्या है, जो ट्यूबुल्स का ऐसा प्यालानुमा संरचना सैक टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें जो रीनल आर्टरी आती है उसकी वाहिकाओं का पूरा केशिका गुच्छ ऐसा इकट्ठा हो जाता है। तो ये वोमन प्याला और ये ग्लोमेरुलस कहलाता है, ये वाला हिस्सा ग्लोमेरुलस कहलाता है। इन दोनों को यदि हम मिला दें तो बनता है वोमन संपुट। इनका नाम वोमन संपुट इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जो खोज थी वो किसने की थी, वोमन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। अब ये फिर ये कुंडलित नलिका आगे बढ़ जाती है, ये ट्यूब्यूल, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आगे बढ़ करके ऐसी कुंडलित में अवस्था में आ जाती है। लास्ट में बीचों बीच ये यू आकार के एक ट्यूब में खुलती है जिसको कहते हैं हेनले का लूप, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। तो ये लूप ऑफ हेनले के इसमें इस प्रकार से यू आकार के पिनाकार स्ट्रक्चर में खुलती है, जिसे हेनले का लूप कहते हैं। ये भी कैसे होते हैं, ये होते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग वे में। अब इसके बाद में ये ट्यूबुल आगे बढ़ती है और पेरी यहाँ पर प्रॉक्सिमल ट्यूबुल से आगे बढ़ करके दूरस्थ नलिका में प्रवेश करती है। ये दूरस्थ नलिका जो है ये कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के खुलती है। तो कुल मिला के जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या हो गया, कि जो ग्लोमेरुलस है वो वोमेन प्याले में जाकर के एक पूरा एक यूनिट वाइज स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं वोमेन कैप्सूल या वोमेन संपुट। ये वोमेन संपुट जो है एक पतली महीन ट्यूब्यूल में खुलता है जिसमें एक यू आकार का हेनले का लूप आता है, ये इकट्ठा होकर के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से अटैच हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो ये ट्यूब निकली हुई है इनको वापस जो आर्टरी है, रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, ये सब बहुत महीन महीन पतली पतली रुधिर वाहिकाओं में बट करके आपस में इसको बहुत अच्छे से क्या करती है, लपेटी हुई अवस्था में रखती है। इसका क्या रोल है ये हम जब मूत्र निर्माण की क्रिया विधि समझेंगे तब हमको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो ये हो गई बच्चों नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं मनुष्य में मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। मूत्र निर्माण की जो क्रिया विधि है वो क्यों आवश्यक है, क्योंकि रक्त में पोषक पदार्थों के साथ साथ उत्सर्जी पदार्थ भी रहते हैं जिनको क्या करते हैं, छानने की प्रक्रिया करते हैं। तो जो छानने की जो प्रक्रिया है वो निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। पहला है अति सूक्ष्म छनन, यह क्रिया नेफ्रॉन के वोमेन संपुट में संपन्न होती है। ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं एवं वोमेन संपुट की भित्तियां एक दूसरे से सटी हुई होती हैं तथा फिल्टर का काम करती हैं। वोमेन संपुट की पोडोसाइड भी इसमें मदद करती है। एफरेंट धमनिका का व्यास इफरेंट धमनिका से अधिक होता है, अतः एफरेंट धमनिकाओं में रक्तदाब अधिक हो जाता है। रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित प्लाज्मा प्रोटीन व संपुट द्रव छनन या निस्संदन का विरोध करते हैं, लेकिन रक्त का दाब इस विरोध से कहीं अधिक होता है। अतः अधिक दाब के कारण ग्लोमेरुलस में रक्त में मिले यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण, ग्लूकोज तथा दूसरे वर्ज्य पदार्थ छनकर वोमेन संपुट में आ जाते हैं। वोमेन संपुट में छनकर आए इन पदार्थों को ग्लोमेरुलस निस्संद कहते हैं, जो वृक्क नलिकाओं की आंतरिक सतह पर उपस्थित सीलिया की गति के कारण आगे बढ़ता है। अब इसको हम समझें, तो हमने ये स्ट्रक्चर समझा था नेफ्रॉन का वोमेन संपुट वोमेन प्याला वाला। तो ये वोमेन प्याला है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने समझा था, और यहाँ पर रुधिर
वाहिनियां हैं जो एक क्या बनाती हैं, गुच्छा या ग्लोमेरुलस का निर्माण करती हैं। अब बच्चों हमको ये समझना है कि जब इसमें रक्त आ रहा है तो इसका जो डायमीटर है वो ज्यादा रहता है बजाय कि छनके निकलने वाली वाहिकाओं के डायमीटर से। तो इसके कारण प्रेशर से यहाँ पर एक रक्त दाब, एक प्रकार का दाब क्रिएट होता है, जिस दाब के कारण इसमें यूरिया, ग्लूकोज और बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ छन करके यहाँ पर इसकी नलिका में आ जाते हैं। इस ट्यूबुल में आने के कारण, इस ट्यूबुल के अंदर अगर हम देखें तो इस प्रकार से छोटे छोटे सीलिया रहते हैं। इस सीलियरी मूवमेंट के कारण जो छनित हुआ पदार्थ है वो क्या होता है, नीचे की ओर आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे जब छानने की क्रिया हो रही है उस समय ये नहीं है, इसमें कुछ लाभदायक चीजें भी बाहर निकल जाती हैं और कुछ जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप देखें हम, पुनः अवशोषण। क्योंकि क्या हुआ कि जब छानने की हमने ये वाली क्रिया करी उसमें क्या हो गया कि बहुत सारी चीज जैसे उपयोगी पदार्थ जैसे जल, ग्लूकोज, आयन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब भी कहाँ आ गए, उसी छनिन पदार्थ के उसमें आ गए। लेकिन ये शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, अगर इनको हम बिना अवशोषित किए शरीर से बाहर निकल जाने देंगे तो शरीर की बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाएं कैसी हो गई, बंद हो जाएंगी और वो फाटल भी हो सकता है। तो इसको क्या किया जाता है कि इनको दोबारा से रीएब्जॉर्ब करते हैं, दोबारा से इसको वो पुनः शरीर में जो रुधिर वाहिनियां हैं वो क्या करती हैं, इनसे अवशोषित कर लेती हैं। तो जो मैंने आपको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बताया था कि बहुत सारी कुंडलित नलिका उसके आजू बाजू उस यू हेनले लूप के आसपास है, वो सब क्या कर लेती हैं, इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज जो उपयोगी हैं उनको पुनः अवशोषित कर लेती हैं। और इसके बाद जो बचा हुआ रहता है वो 90% जल जो है वो पूरा वापस अवशोषित हो जाता है और अब सिर्फ क्या रहता है, सिर्फ उत्सर्जी पदार्थ। अब तीसरा पॉइंट आता है श्रावण। ग्लोमेरुलस में छनने के बाद भी रक्त में कुछ उत्सर्जी पदार्थ शेष रह जाते हैं। यह उत्सर्जी पदार्थ सक्रिय रूप से ब्रक नलिका के भागों विशेष रूप से डीसीटी पे इंटरस्टीशियल द्रव से मुक्त कर दिए जाते हैं। छनन, पुनः अवशोषण व श्रावण से ब्रक नलिका में गाढ़े मूत्र का निर्माण हो जाता है। इसको हम यहाँ पर बहुत अच्छे से चित्र के माध्यम से समझेंगे। पूरा आप जो मूत्र निर्माण की क्रिया विधि इसको पूरा भली भांति समझा रहा। यहाँ देखिए ये पूरा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर है वोमन कैप्सूल जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। यहाँ से रुधिर आता है जो छानने की क्रिया, छानने की वह क्रिया जिसमें क्या है, छोटे अणु छन जाते हैं और बड़े अणु रह जाते हैं, उसे डायलिसिस कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर सारी चीजें जैसे यूरिया के अणु है, ग्लूकोज है, पोटेशियम है, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें जो उपयोग की हैं और उत्सर्जी दोनों चीजें छन करके नीचे आती हैं। इस ट्यूब में आने के बाद में इसके चारों ओर हमने देखा था कि किस प्रकार से रुधिर वाहिकाओं का ऐसा जाल फैला रहता है, ये आपने देखा था ना नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में। तो अब ये रुधिर वाहिकाएं जो है इसमें फिर होगा पुनः अवशोषण की क्रिया। पुनः अवशोषण की क्रिया में जो ग्लूकोज है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जैसे पानी है, ये सारी चीजें सोडियम पोटेशियम ये क्या करती हैं, ये रुधिर वाहिकाएं वापस प्राप्त कर लेती हैं। और जो बचा हुआ उत्सर्जी पदार्थ है वो फिर कहाँ आ जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आ जाता है और वहां पर अब सिर्फ यूरिया, यूरिक एसिड, उसमें कुछ साल्ट, क्रिएटिनिन, क्रिएटिनाइन, अमोनिया और यूरोक्रोम जैसे पदार्थ मिलकर के किसका निर्माण कर लेते हैं, मूत्र का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। बच्चों ये था उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जी उत्पाद और मानव में मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को डिस्कस करें।